मुझे तकलीफ की आदत नहीं है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, इसके थोड़ा सा मैं कुछ नोट लिख कर लाया हूँ। दोस्तों, ये निसफ सदी का किस्सा है, दो चार बरस की बात नहीं। कराची 1955, सदर फ्रेडरिक्स क्वालिटी कैफे की एक शाम, मैं और शमन आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को पहचानने की, एक दूसरे को समझने की और तकरीबन एक दूसरे की ज़ात में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है और हमें ये मिलते ही एहसास हो गया, या शमन ने एहसास दिला दिया कि हम में कोई कदर मुश्तरक है कि जो हमें करीब ले आई है और करीब रखेगी और हम मिलते रहेंगे। हमारी केमिस्ट्री में कुछ अनासर हैं जो एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो शाम मेरे जहन में नक्श है, शमन से दोस्ती के आगाज़ की शाम, 55 सालों की दोस्ती के आगाज़ की शाम, ऐसी दोस्ती जिसमें कभी कोई हल्की सी रंजिश भी नहीं हुई, कभी कोई शिकायत नहीं हुई, एक गहरी मोहब्बत, एक जहनी हम आहंगी की दोस्ती। इख्तलाफ राय बहुत, बाज़ औक़ात नज़रियाती और सियासी इख्तलाफ भी, लेकिन एक बुनियादी उसूल पर हमेशा इत्तेफाक कि इख्तलाफ राय सबका हक है। शदीद इख्तलाफ पर भी हम एक दूसरे को कायल करने की कोशिश इस हद तक करते थे जब तक मेज़ पर खाना नहीं लग जाता। एक महज़ब दोस्ती जैसा कि ताज अहमद ने, तो वो थी ऐसी दोस्ती की आगाज़ की शाम और अब आज की ये शाम। आर्ट्स काउंसिल कराची 2009। शमन जो यकीन नहीं आता कि अब सिर्फ एक याद है, शमन की यादगार की एक शाम। आपको अमीर खुसरो याद नहीं आते, मुझे तो याद आते हैं, मुझे तो बहुत याद आते हैं। गोरी सोवे सेज मुख पर डालो केस, चल खुसरो घर अपने, अब सांझ भई चौदेस। जब मुझे अजीज़ा मज़रा पाश हाशमी ने कहा कि तुम कुछ कहोगे, तो मैंने फ़ौरन हामी भर दी। कल जब मुनव्वर सईद ने कहा कि गयाज़ भाई आप तो बोलेंगे ना, तो मैं सोचने लगा कि हाँ मगर क्या। शमन के बारे में वो कौन सी बातें हैं जो हम सब दोस्त नहीं जानते। उसकी ज़िंदगी तो बहुत साफ सुथरी एक खुली किताब की तरह थी, जिसमें कहीं कोई तारीख गोशे, कोई स्केलेटन इन द कबर्ड्स नहीं थे। अगर कुछ दिलचस्प बातें ऐसी होंगी भी जिनसे सिर्फ करीबी दोस्त आशना थे, तो वो बातें करीबी दोस्तों तक ही रहनी चाहिए। मगर कल शाम जब मैं और उबैदुल्लाह बेग शमन के घर से निकलकर उबैद के घर गए और फिर मैं वहाँ से अपने घर गया, तो मुझे ख़्याल आया कि शमन की ज़िंदगी का एक गोशा है जिससे उसके करीबी दोस्त भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं और शायद ख़ानदान वाले भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, और जिस पर रोशनी डालना मेरा मनसब तो नहीं है, मगर मेरे लिए एक मौका है। मेरा मनसब यूँ नहीं है कि मैं ना शायर ना अदीब ना नक्काद, मैं तो बस एक दोस्त हूँ। शमन बरक्स दूसरे अदीबों और शायरों के अपना बयान कलाम सुनाने, बरक्स दूसरे शायरों के जो अपना बयान कलाम सुनाने के लिए बेचैन रहते हैं, बहुत ही पर्दापोश थे। उसने कभी हमें अपना कलाम सुनाने का इसरार नहीं किया, कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि वह एक बयाज़ मरतब करने में और शेर कहने में कुछ वक्त गुजारते। बस कभी कभी कोई रुबाई किसी मौके पर बरमहल कहकर सुना दी, या किसी की शादी की रुख्सती लिख दी जो सबने सुन ली।
उसकी बयास तो पहली बार चंद दिन पहले काजिम ने मुझे दिखाई। तो ये वो गोशा है जिस पर मैं रोशनी इस हद तक डालूँगा कि चीदा चीदा अशार आपको सुनाऊँ और आप खुद अंदाज़ा करें कि शमन किस पाए का शायर। शमन अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, सेरेब्रल। सेरेब्रल का मतलब आप जानते हैं, यानी फिक्री, न कि जज्बाती। शमन को शायद आप लोगों ने कहते सुना होगा, उसकी फला की गुफ्तगू बड़ी सेरेब्रल होती है। या मसलन फैज साहब की शायरी के मुकाबले में गालिब की शायरी ज़्यादा सेरेब्रल है। तो गालिबन यही शमन के बारे में भी कहा जा सकता है कि शमन की गुफ्तगू भी बेशतर सेरेब्रल होती थी और उसकी शायरी भी। मसलन ये गज़ल जो मैंने उसकी बयास नकल की, मेरे खुदा कोई ताज़ा किताब नाजिल कर, नई दलील नया इनकलाब नाजिल कर। तरस गई है समात नवीद नौ के लिए, बसारा तो पे नई आबोताब नाजिल कर। नई सुराही में मत भेज बादए असलाफ, पुराने जाम में ताज़ा शराब नाजिल कर। समातों को नए हर्फ की बशारत दे, हमारी आंखों पे नादीदा ख्वाब नाजिल कर। हर एक सिमत अकीदों की धुन तारी है, अताब ज़ादों पे कोई अताब नाजिल कर। तवहुमात के तरियों पे फिर तबाही भेज, तवहुमात के तरियों पे फिर तबाही भेज, अजाब साजों पे कोई अजाब नाजिल कर। तवहुमात के तरियों पे फिर तबाही भेज, अजाब साजों पे कोई अजाब नाजिल कर। मुकद्दर के जबर को और मुकद्दर के जबर पर और उससे पैदा होने वाली महरूमी पर हर इंसान का दिल एहतजाज करता है। मगर इस एहतजाज को एक अच्छे शेर में ढालना हर एक के बस में नहीं। मीर ने तो खैर एक लाफानी शेर कहा है, नहाक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं स्वाब करें हमको बस बदनाम किया। मगर शमन का ये शेर भी काबिल समात है। मांगने वाले मेरी उम्र के लम्हों का हिसाब, मेरी मर्जी से मेरी उम्र गुजरने देते। शमन जैसा कि आप सब जानते होंगे